हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो फंक्शन चल रहा था चैप्टर उसमें। ओके, तो जरा देखिए करते हैं। इस चैप्टर में अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर मानेंगे ए, तो दिस बिलोंग एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए। ऐसे ही कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या मानेंगे, बी, तो दिस बिलोंग क्या आ जाएगा, वाई बराबर कॉस बी। ऐसे ही कॉस इनवर्स जेड बराबर मानेंगे सी, तो दिस बिलोंग जेड बराबर आएगा कॉस सी। ओके, चूंकि ये क्या दिया गया, ये बताया गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। ओके, ये इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। दोनों तरफ कॉस ले लो तो क्या बना, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी, मतलब एक्स ओ सी माइनस थीटा। कॉस एक्स ओ सी माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इसमें हम सूत्र लगा देते हैं आपका, कौन सा देखिए, ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी बराबर माइनस का कॉस सी। कॉस सी आप ये ना, ये यहाँ पे ले आइए। चलिए, क्या बना, कॉस ए कॉस बी, ये माइनस का है, इधर आएगा कॉस सी बराबर साइन ए और साइन बी। इसमें अगर वैल्यू रखें तो कॉस ए कितना है, एक्स, कॉस बी बाई और कॉस सी जेड बराबर साइन ए को अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता है, और साइन बी को अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता है। वैल्यू रख दो, एक्स बाई प्लस जेड बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस बाई स्क्वायर। ओके, आगे देखिए जरा, आगे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, है ना, पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई जेड, ये इसका होल स्क्वायर आया, इसका वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस बाई स्क्वायर, गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई जेड बराबर वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से ये खत्म, ये दोनों इधर ले आओ, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या, टू एक्स बाई जेड बराबर वन। यही लाना था, क्या लिखेंगे इसे, प्रूफ्ड। ओके, जल्दी से करिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया, ये। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी सेम लिखेंगे सॉल्यूशन। माना है ये पहला नंबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर मानेंगे ए, तो दिस बिलोंग एक्स बराबर क्या आएगा, साइन ए। ऐसे ही साइन इनवर्स बाई बराबर क्या मानेंगे, बी, तो दिस बिलोंग बाई बराबर क्या आएगा, साइन बी। ऐसे ही साइन इनवर्स जेड बराबर क्या मानेंगे, सी, तो जेड बराबर क्या आएगा, साइन सी। और यहाँ पे हम एक चीज तो जानते ही हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ओ सी मतलब पाई। नाउ
हम इसमें ये टर्म निकाल लेते हैं, मतलब LHS उठा लेते हैं। तो LHS बराबर लिखेंगे क्या आएगा, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर, राइट। अब जरा वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है, साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस कॉस ए, नो साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही सी वाला लिखेंगे। तो जरा देखिए कैसे लिखते हैं, पेज थोड़ा इधर कर लेते हैं, प्लस साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। आप जरा बताइए इसे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस ये क्या बनेगा साइन बी, ये कॉस बी, ये क्या बनेगा साइन सी और कॉस सी। हम क्या करें, दो का गुणा और दो का भाग, जैसे ही दो का भाग करेंगे अंदर गुणा करेंगे टू साइन ए कॉस ए हो जाएगा प्लस टू साइन बी कॉस बी हो जाएगा प्लस टू साइन सी कॉस सी हो जाएगा, राइट। ये किसका होता है, साइन टू ए का, तो एक बटे दो, ये क्या बनेगा साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, राइट, टू सी। इसमें एक काम और करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई होगी, यहाँ पे कर देते हैं, ओके। अगर यहाँ तक आई है तो इसमें क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन टी का सूत्र लगा देंगे। जैसे ही साइन सी प्लस साइन टी का लगाएंगे तो क्या बनेगा, ज़रा देखिए, ये बनेगा एक बटे दो बड़ा ब्रैकेट टू साइन टू ए प्लस टू बी बटे दो इंटू कॉस टू ए माइनस टू बी बटे दो प्लस साइन टू सी। जरा बताना ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक बटे दो बड़ा ब्रैकेट टू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी को साइन टू सी क्या ले सकता है, टू साइन सी और कॉस सी, राइट, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा। आगे देखिए, जब इसे और करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसमें चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ए प्लस बी बराबर कितना है पाई माइनस सी, तो अगर साइन एक्स और सी माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा आ जाएगा, मतलब साइन सी आ जाएगा, मतलब एक बटे दो, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी टू साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी को जगह क्या रख सकते हैं, दिस बिलोंग हम सी बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, ओके, तो कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ओके। यहाँ से क्या कामन है, एक बटे दो टू साइन सी कामन ले लो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्या बनेगा, जो बचेगा वो बचेगा कॉस ए माइनस बी, चूंकि कॉस एक्स ऑफ सी माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस, इस पे अगर बात करें, इस पे कॉस एक्स ऑफ सी माइनस थीटा क्या होता है एक्स ऑफ सी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह आपका ए प्लस बी है, तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें क्या लगा देंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, ओके। देखिए अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, इससे ये कैंसिल, क्या बनेगा साइन सी बड़ा ब्रैकेट टू साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे दो इंटू साइन डी माइनस डी, क्या है ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी बटे दो,
देखो बी से बी कटा, यहाँ पे ए से ए कटा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्या बन जाएगा? साइन सी इंटू टू साइन ए, 2a/2 है ना, इंटू साइन बी। अब चूंकि साइन सी बराबर क्या था, एक्स, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x/z, ये आ गया RHS, है ना। तो हेंस क्या लिख देंगे, हेंस लिख देंगे एक्स अंडर रूट 1 - x² प्लस वाई अंडर रूट 1 - y² प्लस जेड अंडर रूट 1 - z² बराबर 2x/z। याद रहेगा ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। ओके जल्दी से छापिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके आगे देखिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या रहने वाला है, ये। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसे ऐसे करते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके क्वेश्चन ये है, चलिए करते हैं इस पर। सॉल्यूशन पहले जो दिया गया वही लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर 180, मतलब पाई। इसे सूत्र लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस x/z अपान 1 - x/ -y/z और माइनस का जेड एक्स बराबर पाई। ये इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस x/z अपान 1 - x/ -y/z माइनस जेड एक्स बराबर टेन 180। टेन 180 को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 + 90, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान माइनस x/z अपान 1 - x/ -y/z माइनस जेड एक्स बराबर टेन 90 + 90। 90 + 90 मतलब कॉट 90, कॉट 90, काट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये सेम लिखेंगे, ये यहाँ पर वही लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस x/z अपॉन 1 - x/ -y/z और माइनस का जेड एक्स। इसका गुणा इसमें कर देंगे बटे एक मान के, जैसे ही गुणा करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जरा देखिए कैसे करेंगे, मैंने गुणा किया, जैसे किया तो वैल्यू बनी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस x/z बराबर 0। तो ये तब इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर x/z। ओके प्रूव्ड, लिख लीजिएगा जल्दी से। ये अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड के बेसिक पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना। तो इसे लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके लिखिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करता है। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया। ओके तो इसमें क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन, फिर इसके बाद क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स पी अपान ए बराबर ए, तो दिस बिलोंग कॉस ए बराबर पी बटे ए, एंड कॉस इनवर्स क्यू अपान बी बराबर बी, दिस बिलोंग कॉस बी बराबर क्यू बटे बी। ओके तो अगर इस कंडीशन पे रखें तो यहाँ से क्या बनेगा, अतः ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, पाई। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, कॉस, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई। ओके अब क्या करेंगे, पाई है कि अल्फा, ये अल्फा है। ओके तो यहाँ क्या रखें, अल्फा अल्फा, चलिए वैल्यू रखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी
बराबर कॉस अल्फा, ये सारे टर्म इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ। तो कॉस ए कॉस बी की जगह क्या रख दें, पी बटे ए इंटू क्यू बटे बी, ये बी है छोटा वाला है ना, माइनस कॉस अल्फा बराबर साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, राइट। इन दोनों को एक्सचेंज करके हमने यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करेंगे जरा देखिए, इसे करेंगे दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके। जैसे वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू बटे ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर बी और फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा। इसे खोलिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, प्लस ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या था ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। चल ना रहा यार सही, क्या चक्कर है। ओके एक बार फिर से होल स्क्वायर खोलते हैं जरा देखिए। जब इसे होल स्क्वायर खोलोगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू पी क्यू अपान ए बी कॉस अल्फा बराबर इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो हम रूट हटा देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, पी अपान मतलब पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस ये क्या रखोगे, क्यू स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। मल्टीपल कर देते हैं, जैसे ही मल्टीपल करोगे बनेगा वन माइनस क्यू स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। ये जो वैल्यू है इसे पूरा सही से लिखते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू पी क्यू अपान ए बी कॉस अल्फा। देखो ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कटेगा तो क्या बनेगा जरा देखिए, ये बनेगा हम कॉस स्क्वायर अल्फा आपका इधर ले आते हैं, ये दोनों टर्म इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू अपान ए बी कॉस अल्फा बराबर वन माइनस, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यू क्या बनेगी, पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू अपान ए बी कॉस अल्फा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। ये क्या है, यही आपको प्रूव करना था, राइट। तो लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए इसके बाद का अगर क्वेश्चन देखें तो क्या दिया गया, इसमें दिया गया ये, ओके, कि वैल्यू फाइंड आउट करिएगा एक्स की। तो जरा देखिए करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें पहले जो दिया गया उसे लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, इसमें एक्स प्लस वाई वाला सूत्र लगा देते हैं डायरेक्ट, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपान वन माइनस टू एक्स इंटू थ्री एक्स बराबर पाई बाई फोर। ये आप इधर ले आओगे क्या हो जाएगा, दो तीन कितना होता है पाँच एक्स बटे वन माइनस छः एक्स स्क्वायर बराबर टेन पाई बाई फोर।
तो क्या बनेगा, 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। पता है क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये इधर ले आइएगा, क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 1 बराबर 0। 6 एक 6 के फैक्टर करोगे, 2 3 6 2 और 3, 6x स्क्वायर प्लस 3x, कहाँ गया, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, कॉमन ले लेते हैं, 2 3 6 3x प्लस 1। और इसमें थोड़ा डाउट फील जा रहा है यार, क्योंकि पूरा माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ज़रा देख लेते हैं एक बार, देखिए देखिए अगर सही से देखा जाए क्वेश्चन, तो ये यहाँ से इतना ये फैक्टराइजेशन आपका गलत हुआ है। पता है क्यों? 3 2 5 होता है, प्लस का होता है, लेकिन मल्टीपल भी प्लस का आएगा, तो इसलिए इसका जब फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स और माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें 6x का हमें ले लीजिए, x प्लस 1, इसमें माइनस 1 दीजिएगा, x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ बनेगा 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। फिर क्या लिखेंगे, जब 6x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 1/6, एंड जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आएगा। ओके, अब इसमें हमें चेक करना ये है, ये x प्लस 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये अग्रा आ जाएगा, इनवैलिड, मतलब चेक करोगे तो ये वैल्यू सही नहीं दर्शाएगा, मतलब पाई बाई 4 नहीं बनेगा। ओके, तो हेंस x इक्वल्स टू 1/6 इज वैलिड आंसर। ओके, लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, इसमें भी सेम है, तो इसे भी करते हैं। टेन इनवर्स क्या करोगे, x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 2 अपान 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपान x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट हम लासा ले लेते हैं ऊपर, x माइनस 1 और x माइनस 2, नो x प्लस 2 और ये x माइनस 2, इधर मल्टीपल हो जाएगा, क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपन ax स्क्वायर माइनस 4 माइनस ब्रैकेट ax स्क्वायर माइनस 1 अपन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। कहने का मतलब है x प्लस 2 और x माइनस 2 का जब मल्टीपल करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, ये कट जाएगा बराबर पाई बाई 4, ये टेन को इधर ले आएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा, मल्टीपल कर देते हैं इसका, इसमें ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का 2 अपान, इसमें क्या बनेगा, ax स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर टेन पाई बाई 4। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इधर मल्टीपल कर दीजिए, ये खत्म। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या, 2x स्क्वायर, 2x से 2x और x से x, ओके x, 2 और 2 कितना हो गया, ये माइनस 2 और ये माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 4 बराबर माइनस का 4। तो यहाँ x बराबर वैल्यू कुछ और बनेगा, देख लेते हैं जरा सही से, 4 से 1 गया, माइनस 4 प्लस 1 बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर ये बचा माइनस 3, इधर जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 4 से गया 3 1, 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। कहाँ पेज गया भाई, पेज बड़ा कोने में चला गया। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 की कितनी होती है, √3/2। ये आप इधर ले आइएगा, ये इधर ले आइएगा, राइट। तो जब ले आओगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर माइनस का साइन इनवर्स 2x। इसे अगर और देखा जाए तो इसमें सूत्र लगा देते हैं, साइन इनवर्स कौन वाला, एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x² वाला। ओके, तो करते हैं एक्स अंडर रूट 1 - y² मतलब 3/4 हो जाएगा, प्लस y कितना है, अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 1 - x² बराबर साइन इनवर्स माइनस का 2x। कैंसिल आउट करोगे, इनवर्स कट जाएगा, एक्स अंडर रूट ये 4 - 3/4 बचेगा, ये अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1 - x² क्या है, लैग कर रहा है, ठीक। आगे बढ़े तो यहां तक हुआ था, फिर इससे क्या लिख रहे थे, अंडर रूट 3/2 इंटू 1 - x² ये लैग बहुत हो रहा है, क्या चक्कर है। देखिए 1 - x² बराबर क्या है, माइनस का 2x। ओके, यहाँ पे घटाओगे तो क्या बनेगा, एक्स बटी 2, ये 1/4 बनेगा, इसकी रूट वैल्यू 1/2 हो जाएगी, है ना। ये टर्म हम इधर ले आएंगे, ये वाला इधर ले आएंगे, प्लस 2x हो जाएगा बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू रूट 1 - x² बराबर, ये इधर ले आना था, माइनस रूट 3/2 अंडर रूट 1 - x². ओके, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, फिर सॉल्व कर लोगे। जैसे करोगे ये 5x/2 आएगा, इन दोनों का होल स्क्वायर करिएगा, ये होल स्क्वायर खोलोगे आएगा 3/4 इंटू 1 - x² ओके। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व करिएगा, तो ये जो बनेगा पूरा सॉल्व करने के बाद, वो बनेगा पूरा फाइनल जो स्टेप बनेगी, वो बनेगी 28x² बराबर, इसे होल स्क्वायर किया था, इसका होल स्क्वायर किया है ना, तो क्या आ जाएगा, 25/4x² बराबर 3/4 1 - x²